दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका जो राशन कार्ड है वो कहीं भूल चुका है या आपको राशन कार्ड जो नंबर है वो पता नहीं है तो आपके मोबाइल में जो है कि कैसे आप अपने राशन कार्ड को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाले हैं और साथ ही आपके राशन कार्ड से रिलेटेड सारी जो जानकारियाँ हैं वो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक फास्ट टू कार। पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फोन में अपना जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे मेरा राशन। जैसे ही आप मेरा राशन करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे इसी ऐप्स को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में पहले से ये डाउनलोड है, तो सिंपली हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ जो है कि इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप चाहें पंजीकरण करना चाहें तो पंजीकरण कर सकते हैं, या फिर आप लाभ की जानकारी ले सकते हैं कि हमारे जो राशन कार्ड में वो क्या क्या लाभ मिलती है या सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे क्या होता है कई बार किसी राशन दुकान में कुछ चीज़ें दी जाती है, कुछ चीज़ें नहीं दी जाती हैं राशन दुकानदार द्वारा, तो उस स्थिति में यहाँ से आप अपनी लाभ की जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो आसपास की दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में ONORC लागू किया गया है, यानी आप जैसे जिस भी राज्य में से बिलोंग करते हैं आप जो है कि उस राज्य में कहीं भी आप रहें तो आप जो है कि राशन ले सकते हैं। इसका मतलब वन नेशन वन राशन जो है कि ये स्कीम चलाया गया है और इसमें आपका यदि रजिस्ट्रेशन है, आपका राशन कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो है कि आप कहीं भी रहें तो आप जो है कि राशन के दुकान नज़दीकी राशन दुकान में जा करके जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है उसमें आप जा करके राशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ONORC मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जो अधिक विवरण के लिए राज्य पर क्लिक करें आप देख सकते हैं इस स्टेट में आप जो है कि कहीं भी राशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बात करें कि जो मान लीजिए कि आपको राशन नंबर ही नहीं मालूम है, राशन जो है कि नंबर कैसे पता करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है कि आधार सीडिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला तो राशन कार्ड के द्वारा आप जो है कि अपनी राशन कार्ड की डिटेल्स देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी आधार कार्ड संख्या के द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे राशन कार्ड नंबर हमको मालूम नहीं है तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आधार कार्ड की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड की जो डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको आपकी जो तारीख और जो समय आपको दिख जाएगी, उसके बाद जो आपका राज्य दिख जाएगा, आपका जो जिला लगता है और किस योजना के अंतर्गत आपका राशन कार्ड बनाया गया है वो चीज़ भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है कि जो आपका राशन कार्ड खो गया था या आप जानना चाहते थे आपको मालूम नहीं है, तो वो राशन कार्ड जो है कि अभी हाल ही में सबका चेंज किया गया है। पुराना वाला जो राशन कार्ड है उसको नए वाले राशन कार्ड में जो है कि यहाँ पे बदला गया है, तो वो चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दुकान की संख्या यानी किस दुकान की संख्या से आपका जो राशन वितरण होता है वो आप वहाँ पे जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं ये राशन कार्ड नंबर है। और उसके बाद यहाँ पे जो ONORC यानी वन रेशन वन नेशन वन राशन की जो स्कीम है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे यस होना चाहिए, तभी आप किसी भी नज़दीकी राशन वाले दुकान से जाके जो सरकार द्वारा चलाई जाती है वो वहाँ पे जो है कि आप राशन ले सकते हैं। उसके बाद आपके घर में जो कितने मेंबर हैं उन सारे सदस्य का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रमवार तरीके से। उसके बाद जो उनकी आधार शेडिंग हुई है कि नहीं हुई है वो यहाँ पे यस नो दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कि अपनी जो राशन कार्ड है उसकी उसकी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी आधार शेडिंग हुई है कि नहीं हुई है, आपकी जो ONORC यानी वन नेशन वन राशन की स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, राशन कार्ड जो नंबर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से कोई भी अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।